प्रतीक्षा भांतीय। क्या ज्योतिरादित्य संभालेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री कमलनाथ अपना इस्तीफा देने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अभी इस पद की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसलिए भी इस पद के लिए जिम्मेदारी मिलेगी क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में अपने एक पूर्व सहायक केपी यादव से चुनाव हार गए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेतृत्व चाहिए जो जिला और वार्ड स्तर तक जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित कर सके और कांग्रेस को मजबूती दे सके। कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा से भी बाहर हैं, इसलिए ज्यादा संभावना यही बताई जा रही है कि उन्हें मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि आज भी उनका प्रभाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक है और उनमें संगठित करने की क्षमता भी है क्योंकि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बनने के लिए कतई इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के पास सबसे अच्छा विकल्प ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में ही सामने आ रहा है कि वे मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस को खड़ी करने में सहायक साबित हो सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।